गॉर्जियस मौनी रॉय जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में तो कब का धमाका कर चुकी हैं, लेकिन अब अपने जलवे बिखेरने के लिए पतली कमरिया से आ रही हैं। म्यूजिक वीडियो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच। 12 मिलियन क्रॉस कर चुका है, क्या फील करती हैं आप जब भी आपका इस तरह से गाना आता है एंड आपकी फिल्में आती हैं, आपके फैंस वाओ मौनी जी लाइक, तो आप बताइए कि क्या फील करती हैं आप? वेल, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, गाना डांसिंग हैज़ ऑलवेज बिन माय पैशन, सो आई मीन जब ये सॉन्ग भी मेरे पास आया, मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके बीट्स, जो वर्डिंग्स है दोज आर वेरी बॉलीवुड, द लिरिक्स इज़ वेरी बॉलीवुड बट द बीट इज़ वेरी हिप हॉप, समथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। और फिर आप क्योंकि आप मेहनत करते हो, रिहर्सल करते हो, देन यू नो शूट द सॉन्ग एंड व्हेन ऑडियंस रिएक्ट्स टू इट नाइसली, इट फील्स गुड मोस्ट डेफिनेटली, सो आई एम वेरी थैंकफुल। मेंटेन कैसे रखते हैं आप अपने आप को, अपनी कमर को? अ बैलेंस्ड डाइट एंड योगा, लॉट्स ऑफ योगा विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। सो अब हम देख रहे हैं कि मौनी जी डे बाय डे इस गाने को एप्रिसिएशन मिल रहा है, सो आप कैसे देखती हैं, आप घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन था जब इस गाने को देखा? दे आर वेरी, दे ऑलवेज हैप्पी जो भी मैं करती हूँ, अगर स्पेशली माय फैमिली माय फ्रेंड्स, अगर मैं खुश हूँ तो वो लोग खुश हैं। और सो विद दैट सॉन्ग ऑल्सो दे थॉट इट वॉज अ पेपी नंबर। और जो सबसे जो बात मुझे लगता है, सॉरी आई विल जस्ट से इट, सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज़ दैट एवरीबडी, इट्स अ फन सॉन्ग एंड यू सपोज टू जस्ट हैव फन विद इट, तो वैसा ही लगा उनको। एंड देन आई एम श्योर कुछ फ्रेंड्स ने ये भी बोला दैट द मोमेंट नाउ वी लाउंज इन आर होम्स एंड यू नो फ्राइडे सैटरडे वी ओनली गोइंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड डांस, सो इट्स अ गुड फीलिंग। या हर पार्टी रूम में बजने वाला है आपका ये सॉन्ग, आई होप कम करे लोग पार्टी, अभी पैंडेमिक गया नहीं है बट जी बट या। शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर आप थोड़ा बहुत बता सके? वी शॉट इन दुबई एंड मैंने सिंगर एंड म्यूजिशियन का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि लाइक हम ऐसे लाइक की फैमिली बन गए थे सब लोग, जी और बता सके? जी हमने 5-6 दिन, इनफैक्ट हमने 2 गाने शूट किए हैं, एक अभी आना बाकी है और उसका भी शूट, उसका काफ़ी सारा शूट बाकी है एक्चुअली, तो जो भी आउटडोर चाहिए था उनको दुबई में, वो उन्होंने वो फिनिश किया वहाँ पर, तो इट वाज लाइक लाइक दे सेड इट वाज अ फन फैमिली, आई थिंक सब एवरीबडी वाज गेटिंग अलोंग विद ईच अदर। एंड शाजिया पीयूष जिन्होंने ये सॉन्ग कोरियोग्राफ किया है, सुखी जी, तनिष्क जी, अरविंद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, DOP अरविंदर सर, सो आई थिंक वी ऑल गॉट अलॉन्ग रियली वेल। और जैसा मैंने पहले बोला, इतना मस्ती वाला गाना है दैट यू हैव टू हैव फन ऑन योर सेट, प्लस माय टीम इज बीन विद मी फॉर गुड, लाइक दे आर ऑलमोस्ट फैमिली बिकॉज दे आर फैमिली बिकॉज दे बीन विद मी फॉर ऑलमोस्ट 13 years नाउ, सो या वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो सुना आपने, और एक धमाका होना बाकी है जी, पता नहीं वो कब है, वो शूट बाकी है उसका एक्चुअली। सो लाइक मौनी जी, हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं बैक टू बैक एंड हर किसी के म्यूजिक वीडियो लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो ऐसा माने कि बैक टू बैक ढेरों सारे ऐसे म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं? मेरे नहीं नहीं मेरा भी वही यही दो सॉन्ग की, इनफैक्ट I have, this is पतली कमारी is my first single, honestly speaking. My last time, if I did something in this zone was गली गली में, but that was also for a film, for KGF. तो this was literally this first time that I'm doing a single and a dance number. So I thought it was high time. मैं miss भी कर रही थी dance करना बहुत. So and I really like the song. तो नहीं, बहुत सारे नहीं आ रहे आपका question का answer देते हुए. जब आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। ओके, कोई बात नहीं। अब तो 2021 की शुरुआत हो चुकी है जी, हर कोई पिछले साल में, हालांकि अभी भी थोड़ा सा पैंडेमिक है, हम लोग अब थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप कुछ अगर कुछ बता सके कि 2021 में और आपकी फिल्में एंड क्या कुछ जी? अभी पेंट हाउस रिलीज होने वाला है, नेटफ्लिक्स फिल्म है, अब्बास मस्तान सर ने डायरेक्ट किया है। इनफैक्ट 2020 में भी आई वॉज शूटिंग फॉर लंडन कॉन्फिडेंशियल इन लंडन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, सो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल ऑनेस्टली। और देखिए, 2-3 चीज़ें हुई हैं साइन, बट आई लेट द मेकर्स अनाउंस इट, सो फॉर नाउ इट्स पेंट हाउस एंड वी आर ऑल वेटिंग ईगरली फॉर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र
So let's see. सभी को भी मैं भी आपके साथ मैं भी वेट कर रही हूँ. बेसब्री से इंतजार है आपकी सारी फिल्मों का एंड ब्रह्मास्त्र का. एंड जब भी फ्री होती हैं तो लाइक किस तरह के गाने सुनती थी कि म्यूजिक वीडियो है. मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ पर जब भी फ्री होती हूँ मैं गाने सुनती हूँ कार गाड़ी में या फिर जब रिहर्सल हॉल में होती हूँ तब. हाँ पढ़ना सब फिक्शन नॉन फिक्शन एवरीथिंग. आई लाइक अ गुड रीड गुड बुक. चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है कि जब से लाइक आप इस इंडस्ट्री में आई हैं जैसे कि आप हमने नागिन देखा जी मतलब फैंस ने ऐसे जब भी आपका मतलब ऐसे क्रेजी हो जाती थी कि कब हमें कब ये टीवी पर आने वाला है ना हमने आपकी फिल्म देखी ना अब द सॉन्ग हाँ पतली कमरिया देख रहे हैं. सो ऑडियंस का इतना जो प्यार मिलता है मनी जी कैसे फेस करती हैं आप कैसे हैंडल करती हैं. विथ ह्यूमिलिटी आई गेस एंड विथ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. Because when you are an actor and when you are anybody in this industry, whether you're in the cast or in the crew, it is very important for any creative person ki jab log aapko appreciate karte hain, tab aapko at least ye pata hota hai ki aap right direction mein ho. Obviously, you know, I am because of my fans or people who appreciate my work, people who've for so many years, for 13, 14 years now, have given me so much love and affection. सो आई एम इंडेटेड फॉर एवर. मैं ऐसा मैं कुछ भी करूँ कोई भी वर्ड्स बोलूँ कुछ भी एडजेक्टिव्स यूज़ करूँ इट्स नॉट इनफ फॉर मी टू डिस्क्राइब वॉट आई फील. आई जेन्युइनली फील ओवरवेल्म्ड एंड आई फील दैट लव एंड एवरी लाइक यू सेड एवरी सिंगल टाइम दैट आई एम डूइंग समथिंग इवन वेरी वेरी स्मॉल आई गेट सो मच ऑफ लव. समटाइम्स मुझे ऐसे होता है कि यू नो आई विश आई कुड डू मोर एंड आई विश you know I could talk to everyone and hug everyone and say a thank you. So here is me saying the biggest thank you for giving this love song so much love. We want more love though, so please if you haven't seen it go watch it and you can make your fun videos and reels as well. So thank you. To suna aapne fans ko aur ek aapki jo project hai uska bahut besabri se intezar hai brahmastra jitna kuch aaya hai samne. मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि वो कब रिलीज होने वाला है बट आई थिंक इट्स अ फिल्म. शूटिंग मेरी खत्म हो गई है दिसंबर में खत्म हो गई बट आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट पीपल विल बेस्ट एंजॉय इट इन अ थिएटर. सो वी आर ऑल वेटिंग. मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब रिलीज डेट आएगा उसका. तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं बैक टू बैक आपके सारे प्रोजेक्ट का और म्यूजिक वीडियो का ब्रह्मास्त्र का आपकी सारी फिल्मों का. थैंक यू सो मच. थैंक यू करने के लिए मौनी जी. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू.